मेरा नाम साक्षी जैन है और मैं 22 साल की उम्र में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। मैं आज यहाँ आप सभी के साथ अपनी कहानी शेयर करने वाली हूँ। मैं रांची की रहने वाली हूँ। मैंने अभी तक अपनी सारी पढ़ाई क्लास 10th, क्लास 12th और कॉलेज भी रांची से ही की है। यहाँ तक कि मैंने CA की पूरी पढ़ाई भी रांची में रह के की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं CA की लाइन में कैसे घुसी। तो क्लास 12th के बाद जैसे सभी स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि वो 12th के बाद क्या करे, मैं भी काफ़ी कंफ्यूज थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे 12th के बाद करना क्या है। तो उस टाइम मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा, स्पेशली मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा तुम CA कर लो। एंड उन्होंने मुझे ये करने के लिए दो रीज़न दिया। फर्स्ट कि अगर मैं CA कर लेती हूँ तो CA की साइन की बहुत वैल्यू होती है और उसके बाद मुझे किसी और के ऊपर नौकरी करने के लिए डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं CA बनने के बाद खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती हूँ। उस समय ये दोनों रीजंस काफ़ी थे और मैंने CA के लिए अपने आप को एनरोल कर दिया। तो मैंने उस टाइम CA फाउंडेशन में अपने आप को एनरोल किया, लेकिन उस समय तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि CA एक्चुअली करता क्या है। लेकिन मैंने CA फाउंडेशन की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने CA फाउंडेशन के लिए अप्लाई किया नवंबर 2018 में और मैंने उसके लिए काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी, इसलिए मैंने उसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। अब CA फाउंडेशन तो क्लियर कर दिया, लेकिन अब CA इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने का टाइम आ गया था। किया और उसके बुक्स आए, तब मुझे सच्ची में पता चला कि कितना पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उस समय तक आई हैड डिसाइडेड कि मुझे CA तो बनना ही है, वो भी मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने CA इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू कर दी। अब मैंने ट्यूशन्स ज्वाइन किया और साथ ही साथ CA की पढ़ाई भी करने लग गई। करते करते नवंबर 2019 आ गया और मैंने अपने CA इंटरमीडिएट की एग्जाम दी। अब मैंने CA इंटरमीडिएट की पढ़ाई चालू कर दी, लेकिन अब मुझे कॉलेज, ट्यूशन और सेल्फ स्टडी तीनों मैनेज करना था। तो बीच में कभी कभी ये थॉट आता था कि CA करके होगा ही क्या, रहने देती हूँ, इतनी मेहनत करके क्या फ़ायदा होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, इसीलिए ये थॉट ने मुझे रुकने नहीं दिया और मैंने CA इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए बैठा नवंबर 2019 में। मुझे याद है हमारे CA इंटरमीडिएट का एक एग्जाम पोस्टपोन हो गया था, जो था एडवांस अकाउंट्स का। अब उस एग्जाम के लिए तो मैंने बहुत तैयारी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो एग्जाम बाकी सारे एग्जाम्स पार होने के बाद लास्ट में होगा। अब ऐसा हुआ कि क्योंकि स्टार्टिंग से ही माइंड सेट था कि सिर्फ इतने दिन के लिए पढ़ना है, वो एक्स्ट्रा दो दिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था। उस दो दिन में बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये फील था कि एग्जाम्स तो खत्म हो गया है। और उसी बीच मुझे याद है मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब मुझे एक डिसीजन लेना था, या तो मुझे अपने सारे मेहनत में पानी फेर देना था या फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से बैठ के पढ़ाई करना था। अब मैंने एडवांस अकाउंट्स के लिए पढ़ाई की और फिर अच्छे से एग्जाम के लिए अपीयर किया। अब मेरे CA इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया था। मैं काफ़ी टेंशन में थी कि रिजल्ट क्या होगा। मुझे इतना हिम्मत नहीं था कि मैं खुद से अपना रिजल्ट देखूं। तो मैंने अपने दोस्तों को कॉल किया, वो घर आए एंड उन्होंने मेरा रिजल्ट देखा एंड वो एग्ज़ाम भी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। मैं काफ़ी खुश थी। लेकिन अब मेरी मेन जर्नी स्टार्ट होती है CA फाइनल्स की। अब मैंने CA फाइनल्स के लिए रजिस्टर किया, लेकिन अब मुझे डिसाइड करना था क्या मुझे आर्टिकलशिप रांची में रह के करना है या फिर कहीं बाहर जाके करना है, किसी बिग फोर से करना है या फिर किसी मिड साइज फर्म से करना है। ये डिसीजन काफ़ी टफ था, क्योंकि मैं अभी तक सिर्फ रांची में ही पढ़ रही थी। तो मुझे नहीं पता था कहीं बाहर जाके मैं मैनेज कर पाऊंगी क्या, कहीं बाहर जाके मैं एडजस्ट कर पाऊंगी, कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जाऊं। ऐसे काफ़ी सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। बट मैंने सोचा कि अभी तक मैंने पढ़ाई रांची से ही की है, तो मैं आगे की पढ़ाई भी रांची से ही कर लेती हूँ। यहाँ रह के ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, यहाँ रह के मैं एक अच्छी सी ऑफिस ज्वाइन कर लूँगी और मैं अपने पढ़ाई पे भी फोकस कर पाऊँगी। तो मैंने रिजल्ट्स आते ही एक CA फॉर्म ज्वाइन कर ली। अब मुझे CA आर्टिकलशिप, कॉलेज, रिविजन सब कुछ साथ में मैनेज करना था। ये तीनों चीज़ों को मैनेज करना बीच में काफ़ी टफ हो गया था। मुझे बीच में ऐसा लग रहा था कि मुझे कॉलेज छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि मैं तीनों तो साथ में मैनेज कर ही नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर बीच में कोविड आ गया, तो कोविड के वजह से मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमें सिर्फ कॉलेज जाके एग्ज़ाम्स देना था एंड नॉर्मल क्लासेस अटेंड नहीं करने थे। तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिल गई, क्योंकि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पा रही थी। लेकिन इस टाइम पे पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि घर पे सब रहते थे एंड इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पाता था। अब जैसे हम सबको पता है कि इंटरमीडिएट के बाद 2.5 साल के बाद CA फाइनल्स का एग्ज़ाम होता है, तो स्टार्टिंग से ही मैं बहुत श्योर थी कि मुझे लास्ट 6 महीने तो सिर्फ रिविजन के लिए देने हैं। उस टाइम पे मुझे ट्यूशन करने में कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो मेरा एग्ज़ाम नवंबर 2022 में ड्यू था, तो मेरा ये पूरा एम था कि कैसे मैं अप्रैल तक अपना पूरा ट्यूशन्स कंप्लीट कर लूँ। तो ऐसे करते करते 2 साल पार हो गए और अप्रैल 2022 आ गया। अब टाइम आ गया था मेन 6 मंथ्स का, जिसमें एक CA स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसमें CA स्टूडेंट का फोकस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे स्टार्टिंग से ये भी पता था कि मुझे ये 6 महीने में आर्टिकलशिप के लिए नहीं जाना है। तो मैं जिनके फॉर्म में काम करी थी, मैंने उन्हें कहा कि अब मुझे स्टडी लीव चाहिए, पूरे 6 महीने का स्टडी लीव, कि मैं अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँ। तो मुझे छुट्टी मिल गई। अब आ गया अप्रैल। अब मैंने अपने CA की पढ़ाई चालू की।
तो मैंने फर्स्ट डे ही ये डिसाइड किया कि मुझे किस तरह से वो 6 महीने को पार करना है। सबसे पहले मैंने एक रफ टाइम टेबल बनाया कि मुझे रिविजन कितना करना है। मैंने सोचा अगर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है तो मुझे कम से कम 3 रिविजन तो करने ही पड़ेगी। इसीलिए मैंने अपना टाइम उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया और मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ ऑप्टिंग फॉर सीए एज अ करियर देन अनअकैडमी हैज़ ब्रॉट टू यू अ फ्री सीए एप्टीट्यूड टेस्ट। ऑल द डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन एनरोल इट नाउ। स्टार्टिंग में 8 से 10 घंटा पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके मैं फ्लो में आ गई। अब मैंने 2 से 2.5 महीने अच्छे से अपना फर्स्ट रिविजन किया। सारे सब्जेक्ट्स को वापस से याद करना बहुत मुश्किल था क्योंकि मुझे पहले का पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं आ रहा था। इट वॉज़ लाइक मैं पहली बार ही अपना बुक्स खोल रही हूँ। लेकिन उसी टाइम मैंने ये ट्राई किया कि कम से कम अब जो पढ़ूँ वो आगे नहीं भूलूँ, इसीलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाना चालू किया। ये नोट्स ने मुझे एग्जाम के टाइम में बहुत मदद किया क्योंकि इस नोट से मैं ईजिली 1.5 दिन में अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर पाती थी। अब मैंने ये नोट्स बनाना चालू किया। मैंने काफ़ी सारे अलग से छोटे छोटे नोट्स और बनाने चालू किए, जैसे कभी कुछ टफ लग रहा था तो उसके लिए एक अलग से नोट्स बनाया। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि वो 6 महीने में मेरा टाइम टेबल क्या था। हम सब फर्स्ट फ्लोर में रहते थे तो मैंने ग्राउंड फ्लोर में एक रूम ले लिया था एंड मैं दिन भर उसी रूम में रहती थी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये 6 महीने मैं ना जंक फूड खाऊंगी, ना कहीं बाहर जाऊंगी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी और पूरा पढ़ाई पे फोकस करूंगी। ऐसे करते करते अगस्त आ गया। बीच में काफ़ी बार ऐसा होता था कि पढ़ने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर भी अपने आप को मोटिवेट करके, बस ये सोच के कि फिर से ये एग्ज़ाम नहीं देना है, बस ये सोच के अपने आप को मोटिवेट करके मैं फिर से पढ़ने लग जाती थी। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि पूरा दिन मेरा वेस्ट किया है। हाँ, स्टार्टिंग में पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन उस समय मैं पूरे वीक पढ़ के संडे को आधा दिन का ब्रेक ले लेती थी। ऐसे करते करते अगस्त आ गया। अब मेरे एग्जाम को सिर्फ 2-3 महीने बाकी थे, लेकिन उस समय मेरी बहन का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था उसे हुआ क्या है, वो ठीक कैसे होगी। अब उस टाइम मेरे लिए मेरा पढ़ाई पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया था। अब उस टाइम भी लेकिन मेरे पास 2 चॉइस था, या तो पूरे दिन बिना पढ़ाई किए पार करो क्योंकि उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, या फिर थोड़ा सा जितना भी हो पाए उतना पढ़ाई करो। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपने सीए के सबसे ईजी सब्जेक्ट का बुक उठाया और मैं डेली थोड़ा थोड़ा बस वो पेज को गो थ्रू करती थी, बस ये सोच के कि इससे कुछ ना कुछ हेल्प तो हो ही जाएगी। कुछ टाइम ऐसा था कि मैं हॉस्पिटल में रात भर बैठ के पढ़ाई करती थी। दिन में तो पढ़ाई हो नहीं पाती थी, इसीलिए रात में पढ़ाई करती थी। अब धीरे धीरे करके मेरी बहन की तबीयत ठीक होने लगी और वैसे ही मैं पढ़ाई पे वापस फोकस करने लगी। ऐसे करते करते वापस फ्लो में आई, तब एग्ज़ाम का टाइम आ गया। उस समय तक मैंने ऑलमोस्ट 3 रिविजन कम्प्लीट कर ही लिए थे। अब क्या आपको पता है ये 3 रिविजन में पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि बीच में तो मेरी बहन की तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसमें तो 15 से 20 दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की थी। बट मैंने स्टार्टिंग से एक टाइम टेबल बना के रखा था, अपने लिए एक टाइमलाइन सेट करके रखा था, इसीलिए शायद मैं उस समय तक अपना टाइमलाइन मैच कर पाई। अब मेरी पढ़ाई तो काफ़ी अच्छे से हो रही थी, लेकिन मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम के 4 दिन पहले अचानक से मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी। मैं एक अकाउंट्स का एग्ज़ाम है और मैं उसके एक कॉन्सेप्ट भी याद नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं आगे क्या करूँगी, मैं एग्ज़ाम दे भी पाऊँगी या नहीं। पूरे 6 महीने जो मैंने पढ़ाई की है वो सच्ची वेस्ट हो जाएगा। उस टाइम मम्मी पापा को भी यही लग रहा था कि एक दिन के चक्कर में अपने पूरे 6 महीने का पढ़ाई वेस्ट कर देगी। उस टाइम मुझे याद है पापा ने मेरा बुक खोला और वो एक एक करके एक एक लाइन रीड कर रहे थे, बस इसीलिए कि क्या पता उससे मुझे कुछ समझ आने लगे, लेकिन कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा था। मम्मी पापा का इतना सपोर्ट देख के मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे कुछ याद नहीं आ पा रहा था। मैं बहुत डिसहार्टेंड हो गई थी और मुझे सच्ची लग रहा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। उस समय मैंने सब कुछ ट्राई किया। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि हो सकता है तुम्हें नज़र लग गई होगी, जाके नमक के पानी से नहा लो, मंदिर चली जाओ और मेडिटेशन भी कर लो। मैंने सब ट्राई किया। अब फिर शाम तक ये करते करते मैं नॉर्मल होने लगी और मुझे वापस से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट याद आने लगे। ये करके मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा और मैं अगले दिन से ढंग से पढ़ने बैठ गई। अब मैं आपको बताऊंगी ये मेरे साथ क्यों हुआ और ये जनरली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। ये 6 महीने में ऐसा होता था कि मैं अकेले नीचे रूम में बैठ के पढ़ रही थी। अब जैसे ही कोई घर आता था उन्हें तो यही दिखता था कि मैं पढ़ रही हूँ। अब सब ऐसे बोलते थे कि यार ये इतना पढ़ रही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो क्लियर हो ही जाएगा, अभी तक इतना अच्छे से पढ़ाई की है, क्यों नहीं कर पाएगी। लोगों के बाद से मेरे माइंड में इतना प्रेशर बिल्डअप होने लग गया था कि अब मुझे फेल होने का डर नहीं था, मुझे ये डर था कि लोग क्या कहेंगे। और यही डर उस दिन बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया था, इसीलिए मैं पढ़ाई पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही थी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना इमोशन भी अच्छे से कंट्रोल करें। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ना एक तरफ होता है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करना एक तरफ। अब क्योंकि सब कुछ ठीक हो गया था मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठ गई। मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया, लेकिन वही हुआ कि एग्ज़ाम आने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि यार शिट, ये क्वेश्चन छूट गया, ये बेटर लिख सकते थे। उस समय भी फिर
वही दो ऑप्शन, या तो बैठ के उस एग्ज़ाम के बारे में सोचो या फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करो। इसीलिए मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ किया और मैंने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम में आके अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस नहीं किया। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो आके अपना क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं ये देखने के लिए कि क्या उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है या नहीं, बट ये मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम भी फोकस नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैं जैसे घर आती थी वैसे ही मैंने पहले वाले एग्ज़ाम की बुक को साइड करके दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ने बैठ जाती थी। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पूरे 6 महीने में मेरी पढ़ने की क्या स्ट्रैटेजी थी, हो सकता है ये आपके भी कोई काम आ जाए। पहला, ये हमने हमेशा नोटिस किया है जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे थॉट्स आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द थॉट्स रेलेवेंट नहीं होते। तो इस टाइम मैंने ये तरीका सीखा था जिससे मेरे दिमाग में जितने थॉट्स आते थे सारे गायब हो जाते थे और मैं अच्छे से अपने पढ़ाई पर फोकस कर पाती थी। तो मैंने एक डायरी लिया था एंड उसमें मैं अपने थॉट्स लिख लेती थी। ऐसा नहीं है कि मैं पूरे थॉट्स लिखती थी, लेकिन उस थॉट के बारे में एक या दो लाइन, एंड वो लिखते ही 4 से 5 मिनट में वो थॉट बिल्कुल गायब हो जाता था और मैं पढ़ाई पे फिर से फोकस कर पाती थी। दूसरा, हैंड रिटन नोट्स बनाना। ये नोट्स बना के मैं पूरे चैप्टर को 3 से 4 पेज में समराइज कर लेती थी और इसी के वजह से लास्ट के 1.5 दिन में मैं पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करके जा पाती थी, जो कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टैग्स जैसे सब्जेक्ट में अगर हम आधे सेक्शन छोड़ देते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन सारे सेक्शंस को मिक्स करके आते हैं, तो उस टाइम वो सेक्शन को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर हमने एक दिन पहले उस सेक्शन को पढ़ाना हो। इसके अलावा पढ़ते टाइम मैं ये भी ट्राई करती थी कि मैं अपने आप को छोटे छोटे ब्रेक्स दूँ। अगर मैं आधा घंटा पढ़ रही हूँ तो उसके बाद मैं 1 या 2 मिनट का ब्रेक ही लेती थी, लेकिन ब्रेक लेती थी। उस 1 या 2 मिनट में ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन चलाने लगती थी या फिर इधर उधर कुछ और करने लगती थी। उस 2 या 3 मिनट में मैं सिर्फ उठ के रूम का एक राउंड लगा लूँ या फिर बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 1-2 बार उठ के कुछ एक्सरसाइज कर लूँ एंड इसके वजह से मेरा फोकस फिर से आ जाता था और उसके बाद 3 या 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं लंबा आधा घंटा या फिर 45 मिनट्स का ब्रेक लेती थी। ये बहुत हेल्प करता था अच्छे से पढ़ाई पर फोकस करने के लिए। इसके अलावा अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात करें तो मुझे याद है ऑडिट के लिए मैं डेली 2 या 3 घंटे देती थी। अब उस टाइम मैं ये भी करती थी कि मैं डेली ऑडिट का एक आंसर लिखती थी। वो लिखने से ये होता था कि मुझे राइटिंग पैटर्न समझ में आने लगा। अब हम सबको पता है कि ऑडिट में राइटिंग पैटर्न कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके वजह से मुझे मेरी गलती पता चलने लगी और मैंने सारी गलतियों को ध्यान रखे अपने आप को इम्प्रूव करने का कोशिश किया। उसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी लोग स्किप भी कर देते हैं क्योंकि उसमें टाइम चला जाता है, वो है टेस्ट देना। मैंने सारे सब्जेक्ट्स के ट्राई किए थे कि 2 या 3 टेस्ट दे पाऊँ, क्योंकि वो टेस्ट देने से सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें पता चलता है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं, लेकिन उससे ये भी होता है कि हम थोड़ा एग्जाम प्रेशर हैंडल करना सीख जाते थे। अब टेस्ट देने के बाद मैं एक और काम करती थी कि अपने सारे गलतियों को एक पेपर में लिख लेती थी या फिर उन पेपर को एक साथ रख लेती थी। अब एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैं उन पेपर को एक बार गो थ्रू कर लेती थी कि मुझे पता रहे कि मैंने इस जगह में गलती की और ये गलती मुझे एग्ज़ाम में नहीं करनी है। एंड आप नहीं मानोगे, ऐसे काफ़ी सारी गलती थी जो मैं एग्ज़ाम में करने वाली थी लेकिन मुझे याद आ गया कि मैंने टेस्ट में ये गलती किया था तो मुझे यहाँ रिपीट नहीं करना है। क्योंकि मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी और मुझे पढ़ने का कोई उपाय तो ढूंढना ही था, तो मैंने ये किया कि मेरी एक दोस्त कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ रही थी। हम रात भर वीडियो कॉल पे रहते थे क्योंकि रात में पढ़ाई ढंग से होती थी, इसीलिए रात में वीडियो कॉल पे रह के दोनों जन बस पढ़ाई करते थे एंड एक दूसरे से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते थे। इससे रात में मेरी पढ़ाई हो जाती थी एंड फिर दिन में अगर कुछ पढ़ाई ना भी हो पाए तो मुझे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील नहीं होता था। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि आप रांची में रह के आपने कैसे पूरी पढ़ाई की, क्या आपको कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हो? तो टू बी ऑनेस्ट, ऐसे रांची या किसी भी छोटे शहर में रह के पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आजकल सारे टीचर्स सारे क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसीलिए बल्कि ऐसा होता है कि अगर हम रांची से पढ़ रहे हैं, अगर हम किसी छोटे शहर से पढ़ रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शन कम होता है तो हम पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर पाते हैं और बाकी सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो हम आराम से पढ़ाई रांची या किसी भी छोटे शहर में रह के कर सकते हैं। तो जब मैं ये 6 महीने पढ़ाई कर रही थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि अगर तुम दिन भर पढ़ाई करते रहोगी तो बाद में लास्ट के 2-3 महीने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस टाइम तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करेगा। मैं इस चीज़ से काफ़ी डरी हुई थी, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग से ही दिन में 1 घंटे निकाले थे अपने हॉबीज़ के लिए या फिर अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। उस टाइम पे या तो मैं छत चली जाती थी या फिर मम्मी पापा के साथ बैठ जाती थी या फिर और कोई टीवी शो देख लेती थी। और ये मैं बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करूँगी कि अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आप पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई मत करो, कुछ भी टाइम, थोड़ी ही देर, जितने आपके पास टाइम है आप उतना देर निकालो एंड उस टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाओ। पूरे दिन भर अपने रूम में बैठ के पढ़ाई मत करो क्योंकि इससे अभी तो फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन एग्ज़ाम आते आते बाद में माइंड में बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप होने लगता है एंड उस टाइम पढ़ाई करने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है।
अब आ गया रिजल्ट्स का दिन। सभी स्टूडेंट्स के जैसे मैं भी काफ़ी टेंशन में थी। सुबह 5 बजे से सिर्फ अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी कि कब ICI का नोटिफिकेशन आएगा कि रिजल्ट्स आर आउट। अराउंड 7:30 बजे हमारा रिजल्ट आया, लेकिन मेरे पास एकदम भी हिम्मत नहीं था कि मैं खुद से अपना रिजल्ट देखूँ। मैं जल्दी से अपने पेरेंट्स के रूम में गई। अब हम मम्मी और पापा बैठे हुए हैं एंड हम तीनों ट्राई कर रहे हैं कि वेबसाइट लॉगिन हो जाए, लेकिन वेबसाइट खुल नहीं रहा था। अचानक से मेरे फ़ोन में रिजल्ट आ गया, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मेरे पास खुद से रिजल्ट देखने का एकदम भी हिम्मत नहीं था, मैंने डायरेक्टली मेरा फ़ोन मेरे पापा को पकड़ा दिया। अब बस मेरे पापा ने मुझे देखा एंड ही सेड, एंड मैं उन्हें देख के रोने लग गई, क्योंकि मुझे यही लगा था कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं CA नहीं बन पाई, क्लियर नहीं कर पाई, फिर से एग्ज़ाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। बट उसी एक सेकेंड में माई फादर ऑल्सो गॉट इमोशनल एंड ही हग्ड मी एंड ही सेड, CA साक्षी जैन। आई कॉन्ट डिस्क्राइब कि वो मोमेंट कैसा था। हम मम्मी पापा तीनों रूम में थे, हम तीनों ने हग किया एंड वी सेलिब्रेट, लाइक वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करने जैसा मोमेंट ही नहीं है। आई स्टिल विश कि काश मैंने उस दिन फ़ोन का कैमरा ऑन करके उस सीन को रिकॉर्ड कर लिया होता। अब मैंने घर में सबको बताया कि मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई हूँ। मैं जैसे ही कॉल करती थी, मैसेज, हाय मैं CA साक्षी जैन बोल रही हूँ। मैंने अपने दादाजी और सबको रिजल्ट्स ऐसे ही बताया था एंड टू बी ऑनेस्ट अभी तक का मेरे लाइफ का वो सबसे बेस्ट दिन था। उस दिन मम्मी पापा और सब मेरे घर में काफ़ी खुश थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 6 महीने या ये पूरे 3 साल CA फाइनल्स के या पूरे 5 साल जो मैंने CA को दिए हैं वो रंग लाए हैं और मैंने जो ये कंसिस्टेंट होके पढ़ाई किया है, सारे फेस्टिवल सब कुछ स्किप किया था। मुझे याद है दिवाली वाले टाइम लोग मुझे डांट रहे थे कि कम से कम दिवाली वाले दिन तो बुक्स बंद कर दो और बाहर आ जाओ, लेकिन मैंने उनसे यही कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली होली और अगली दिवाली अच्छे से बना पाऊँ, अच्छे से आपके साथ टाइम स्पेंड कर पाऊँ, तो मुझे इस दिवाली पढ़ लेने दो। और वैसे कह के मैं सिर्फ 1 घंटे रूम से बाहर गई थी, वो भी सिर्फ पूजा करने के लिए, और पूरे दिवाली मैंने पूरे दिन पूरे अच्छे से पढ़ाई की थी। मैं सभी CA स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप भी अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प में क्लियर करना चाहते हैं या फिर अच्छी मार्क्स से क्लियर करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कंसिस्टेंट रहो, अपना बेस्ट दो। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किसी भी डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप अपने पढ़ाई से फोकस नहीं हटाओगे। आपको आपका 100% पढ़ाई पे देना होगा, और अगर आप ये करते हो, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, अगर आप ये सारे स्टेप्स अच्छे से फॉलो करते हो तो आप आराम से CA एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हो। तो जब CA रिज़ल्ट आ गया, अब कुछ दिन तो इन्जॉय करने के बाद अब आ गया था नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉट नेक्स्ट। ऐसे लोग कहते हैं कि एक बार 10th कर लो लाइफ सेट है, 12th कर लो लाइफ सेट है, CA बन जाओ लाइफ सेट है, लेकिन अब मेन क्वेश्चन आ जाता है कि वॉट नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन मार्क डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होगा। तो अब मुझे भी डिसाइड करना था कि आगे मुझे क्या करना है। मेरे सभी दोस्त जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, मुझे स्टार्टिंग से जॉब की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो आई थॉट कि एक बार जॉब करते हैं एंड फिर देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से बस एक ये चीज़ था कि मुझे कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपना पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड कर सकूं। तो मैंने 3 महीना जॉब किया, लेकिन मुझे वो जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। अब मैं घर आ गई, मैंने घर में अपने मम्मी पापा को यही बोला कि मैं कुछ दिन का लीव पे आई हूँ, लेकिन असली में मैंने रिज़ाइन कर दिया था। अब उस समय मुझे ये डिसाइड करना था कि मुझे आगे क्या करना है। मैंने CA स्टूडेंट्स को हेल्प करना थोड़ा उस समय स्टार्ट किया था कि उससे मुझे ये पता चलेगा कि दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है एंड मैं भी बाकी सभी से बात करके अपने आप को इम्प्रूव कर पाऊँगी। उस समय मैंने स्टार्ट किया था प्लान हेड। अब लोगों को प्लान हेड के बारे में बताने के लिए मैंने कुछ वीडियोज़ रिकॉर्ड करने स्टार्ट किए। अब उस समय मेरे दिमाग में ये आया कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी ट्राई कर सकती हूँ, लेकिन उस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि मुझे घर वालों को समझाना था कि मैं CA का जॉब छोड़ के, मैं एक फुल टाइम जॉब छोड़ के कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए जा रही हूँ, जो उनके लिए काफ़ी नया था। स्टार्टिंग में उनके साइड से काफ़ी रेजिस्टेंस था कि CA करने के बाद कॉन्टेंट क्रिएशन क्यों, क्योंकि मैं इसके लिए उनको भी ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कॉन्टेंट क्रिएशन होता क्या है। लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप मुझे 6 महीने दो, अगर ये 6 महीने में कुछ भी वर्कआउट नहीं करता है तो मैं फिर से जॉब करने लगूंगी। अब एक चीज़ मुझे इस टाइम पे और समझ आया कि क्योंकि मैं एक CA हूँ, इसने ही मुझे कॉन्फिडेंस दिया था कि मैं CA की जॉब छोड़ के कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट कर पाऊँ। क्योंकि अगर कॉन्टेंट क्रिएशन वर्क नहीं भी करता है तो भी मेरे पास एक CA की डिग्री है, तो मुझे जॉब ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैंने कॉन्टेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जो मुझे एक पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड करनी है मैं कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ज़रूर बिल्ड कर पाऊँगी, और मैं दूसरे लोगों की बहुत ज़्यादा मदद भी कर पाऊँगी।
तो ये थी मेरी जर्नी एंड आई होप इससे आपके लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड हुई हो और आप अपने लाइफ, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में काफ़ी एक्सेल करें। थैंक यू सो मच।